सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। एक पाकिस्तान के सज्जन हैं जिनकी जिज्ञासा है कि भारत में इतनी यूनिवर्सिटी है, शिक्षा का स्तर इतना है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पहले तो उन्हें खुद ही पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्यों नहीं है। जहां तक यूनिवर्सिटी की संख्या है, भारत तो विश्व में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी वाला देश है। आज भी जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया था, उस समय भी भारत के पास सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी थी। बीच में कम हो गया था शिक्षा का, लेकिन अब पुनः 2021 का डाटा है कि भारत पुनः जो है सबसे ज्यादा विश्व में यूनिवर्सिटी वाला देश बन गया है। भारत में 5,288 यूनिवर्सिटी है और ये नंबर वन पर है। यूएसए से आगे निकल गया है। यूएसए का सेकंड पोजीशन है। 3,216 यूनिवर्सिटी यूएसए का डेटा आया है और तीसरा पोजीशन इंडोनेशिया का है, 2,595। चौथा पोजीशन पर चीन है, जिसे इतना आगे कहा जाता है, 2,565। पांचवें स्थान पर ब्राजील है, 1,297। छठे पर मेक्सिको है, 1,173। सातवें पर जापान है, 1,063। इसके बाद रूस है, 1,058। फिर ईरान है, 704। फिर फ्रांस है, 617। जर्मनी है, 459। और कनाडा 387। ये जो हैं यूनिवर्सिटी, इनकी संख्या है, आप देख सकते हैं देशों की संख्या, इसमें भारत नंबर वन पर है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो महज 188 यूनिवर्सिटियां हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटियों की संख्या भारत में इतनी बढ़ी है, इसके पीछे कारण क्या है? पाकिस्तान में नहीं, इसके पीछे कारण क्या है? आपका जोर किस चीज पर है, इसके ऊपर निर्भर करता है। भारत की यह परंपरा रही है कि भारत सदैव ज्ञान को महत्व देता रहा है। ज्ञान के बल पर ही कोई गुरु हो सकता है, ज्ञान के बल पर ही, विज्ञान के बल पर ही कोई तरक्की कर सकता है, चाहे आर्थिक तरक्की हो, चाहे राजनीतिक हो, आध्यात्मिक तरक्की हो। किसी भी क्षेत्र में तरक्की करनी है जो सभ्य देशों के मापदंड हैं उसके अनुसार से, तो शिक्षा अनिवार्य है। और जितनी बेहतर शिक्षा होगी उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। यह जरूर है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में, जहां तक सुविधाओं की बात है और सैलरीज की बात है, रिसर्च की बात है, इन सब में भारत का स्थान नहीं है। भारत को भी इसमें अभी अपने को आगे बढ़ाना है। जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्ट है रैंकिंग का, उसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। और अधिकतर जो यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 100 में हैं, उसमें से यूएसए है और इंग्लैंड है, चाइना है, साउथ कोरिया है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, हांगकांग है, मलेशिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, स्वीडन,
तो स्विट्जरलैंड है, ताइवान भी है, तो ये सब जो है सुविधाओं के हिसाब से और उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है और वहाँ शिक्षण संस्थान की सुविधाएं कैसी हैं, वेतन मान कैसा है, कई मापदंड रखे हैं, 20 मापदंड हैं, उन मापदंडों के हिसाब से आंका गया है तो यह है। हालांकि यूनिवर्सिटी की संख्या भारत में ज्यादा है, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं 100, उसमें भारत का पोजीशन नहीं है। तो भारत को अपनी गुणवत्ता पर सुधार करना चाहिए, यह भारत के लिए सीख है। लेकिन भारत में शिक्षा संस्थान यूनिवर्सिटीज बहुत है, ये भी भारत के लिए खुशी की बात है। गुणवत्ता के मामले में विश्व में नंबर 1 पर तो MIT को आंका गया है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से। वैसे और भी रैंकिंग प्रणाली है और संस्थाएं हैं, तो कुछ जो हैं ऑक्सफोर्ड को देती हैं, तो हालांकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो QS ने दिया है उसमें ऑक्सफोर्ड को दूसरा पोजीशन दिया है, लेकिन अन्य भी जो मापने वाले हैं वे ऑक्सफोर्ड को पहला दे रहे हैं। तो अगर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात किया है तो उसमें MIT नंबर 1 है, ऑक्सफोर्ड नंबर 2 है, स्टैनफोर्ड नंबर 3 है, कैम्ब्रिज नंबर 4 है, हार्वर्ड नंबर 5 है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो है नंबर 6 है, इम्पीरियल कॉलेज UK की नंबर 7 है। इस तरह से ये सब अपने रैंकिंग बनाए हैं। और दूसरे जो और संस्थाने हैं उन लोगों ने अलग रैंकिंग बनाई है, लेकिन कमोबेश ये सब जो है लगभग थोड़े बहुत आगे पीछे से एक जैसे हैं, बराबर ही है करीब करीब, और किसी साल कोई ऊपर कोई नीचे जाता रहता है। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, और गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, रिसर्च फैसिलिटी जितनी अच्छी होगी, उतना बढ़िया होगा। भारत अभी पूरा पोटेंशियल अभी अपने को कर नहीं पाया है, और भारत सरकार ने वैसे कुछ जगह पर ये इस पर विचार मंथन चिंतन करना शुरू किया है कि कुछ लोग जो पढ़ाने को बहुत इच्छुक हैं, और भारत में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कई पढ़ाना भी चाहते हैं, तो उन लोगों को भी मिलना चाहिए, अवैतनिक रूप से भी वे पढ़ा सकते हैं। निष्काम जो शिक्षक होते हैं वैसों को महत्व देना चाहिए, इससे यह है कई और प्रकार की यूनिवर्सिटी तैयार की जा सकती है, और वहाँ पर जो है पढ़ाई की सुविधा कम से कम टीचिंग के लेवल पर जो है वह तो बेहतर हो ही जाएगी। ऐसे निष्काम शिक्षकों की संख्या भारत में लाखों में है, और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इस जो पोटेंशियलिटी है इसको टैप करना चाहिए, इस क्षमता का भारत सरकार को प्रयोग करना चाहिए। और पाकिस्तान तो ज़्यादा जोर देता है कुरान पर, तो जो जिसका जोर कुरान पर होगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि शिक्षण संस्थानों को वो आगे बढ़ाए, ऐसे शिक्षण संस्थानों को जो आधुनिक शिक्षण संस्थान है जिसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी और फाइनेंस इन सब विषयों पर ज़्यादा अध्ययन हो। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ वहाँ बहुत ही कम होंगी, और होंगी भी तो उसकी क्वालिटी गुणवत्ता नहीं होगी उतनी। तो जो कारण पूछा है कि कारण क्या है, तो कारण तो यही है कि वहाँ के जो नेता लोग हैं, वहाँ की जो राजनीति है और वहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है, वह तो मदरसा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, वो कुरानिक पढ़ाई को महत्व दे रहे हैं, तो कहाँ से आपके यहाँ शिक्षण संस्था कहाँ से बढ़िया होगी। और भारत जो है इसने ज्ञान और विज्ञान को महत्व दिया है, और अब धीरे धीरे और ज्यादा महत्व देगा, और इसलिए भारत जो है वह विश्व का गुरु बनेगा,
निश्चित ही बनेगा और बन भी रहा है, लगभग बनने के ही स्थान पर पहुंच चुका है। और जब आर्थिक व्यवस्था किसी की मजबूत होगी, राजनीतिक संकल्प शक्ति मजबूत होगी, तो और भी यह सशक्त रूप से दिखेगा पूरे विश्व में। तो यदि आप, जहां तक मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो करना पड़ेगा कि कुरानिक शिक्षा पद्धति से दूर जाना पड़ेगा और विज्ञान टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों में, मैनेजमेंट इन सब चीज़ों में उसको जोर देना होगा। अगर आर्थिक रूप से प्रगति करनी है तो ही ये संभव है। पाकिस्तान के श्रोता हैं, दर्शक हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ यही कि आप लोगों को हटना पड़ेगा उस व्यवस्था से, जो मॉडल आप लोगों ने अब तक अपनाया है, उस मॉडल से हटना पड़ेगा और वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। वहाँ के लोगों की माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, तभी जाके प्रगति होगी। अन्यथा सभी राज्यों, सभी देशों से जा करके बस भीख मांगना और इधर उधर आतंकवाद फैलाना, इन सब चीज़ों से पैसे कमाना, लूटना, ठगना, धोखाधड़ी करना, इस तरह से पैसे कमाने से आपका नाम नहीं होने वाला है, बदनामी होगी और प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षण संस्थानों की संख्या भी बढ़ाइए और गुणवत्ता भी बढ़ाइए, दोनों बढ़े। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाइए जिससे आप समाज को, संसार को कुछ दे सकते हो, बेहतर दे सकते हो। वैसी प्रणाली अपनाइए तो ही जाकर के आपका देश प्रगति करेगा। और भारत से, चूंकि भारत से अलग हुआ है इसीलिए भारत से लगातार प्रतियोगिता करता रहता है और देखता रहता है, तुलना करता है कि हम इस मामले में कहाँ हैं, भारत के पास कितनी मिलिट्री है, हमारे पास कितनी है, उसके पास कितने हथियार हैं, मेरे पास कितने हैं, उसके पास कितने परमाणु बम हैं, मेरे पास कितने बम हैं, तो वहाँ यूनिवर्सिटी कितनी है, यहाँ कितनी है, इस तरह की तुलना करता है। तुलना करने में कोई हर्ज नहीं है, आप करते रहिए तुलना, लेकिन उसको सुधार करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो करना चाहिए वहाँ के लोगों को और वहाँ के नेतृत्व करने वालों को, उस पर जोर देना चाहिए और पुराने ढर्रे को छोड़ना पड़ेगा। वे पुरानी चीज़ें जो आपको पीछे ले जाती हैं, बैकवर्ड मेंटालिटी के बनाती हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुरानी चीज़ों में कुछ सार्थक है तो ठीक है, वहाँ तक उसे अपनाए रखिए, और अगर सार्थक नहीं है, अगर वो सही नहीं, तर्कों पर खरा उतरता है, प्रयोगों पर खरा नहीं उतरता है, हितकारी सिद्ध नहीं होता है अन्यों के लिए भी, और वास्तविक हितकारी तो यही देखिए कि क्या वो सबके लिए हितकारी है कि नहीं। अगर सबके लिए है तो ही हितकारी इसको मानिए, अन्यथा हितकारी मत मानिए, अन्यथा तो वह फिर जो है सांप्रदायिक ही है। तो इस तरह की यदि आप लोगों के यहाँ नीतियां बनेगी तो मुझे लगता है कि प्रगति होगी। क्योंकि पुराने समय में आप लोग याद कीजिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहीं पर थी, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी वहाँ थी, गणित के सबसे पुराने सूत्र वहीं खोजे गए हैं, पेशावर के पास ही, तो पुराने आचार्य गणित के रहे हैं वहाँ पर। लेकिन आज पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा मैथमेटिशियन पैदा हो रहा है? तो नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है सोचिए, आप लोगों को लगता होगा कि वहाँ कोई, लेकिन उसके पीछे कारण बस इतना ही है कि वहाँ की जो सोच है अब इस्लामी सोच हो चुकी है, और इस्लामी सोच जो है ज्ञान और विज्ञान को महत्व नहीं देता है, वह मानने को महत्व देता है, मान्यता को महत्व देता है, वह तर्क वितर्क करने को महत्व नहीं देता है, क्योंकि उससे वह खंडित हो जाता है, तो इसलिए साइंस से एलर्जी रखता है, लॉजिक से एलर्जी रखता है,
और सिर्फ मान लो मान लो, तो ढर्रे वाली जो मानसिकता है उससे तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा जब तक कि इन चीज़ों को वह छोड़ेगा नहीं तब तक। मेरी तो अपनी यही सोच है। ओ माय।